क्यों ले रहे? मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरे अपने भाई का शिकार है। मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी न होती। मतलब क्या तुम्हारा? मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। मैंने भाई, तलाक आपने खुद ने दी थी, मैंने नहीं दी थी। तुम्हारी वजह से मैं इरिटेटेड था, उसी इरिटेशन में मैंने कैसी बातें कर रहे हैं, क्या मतलब? जब आपने तलाक दी तो मैं उधर खड़ा था, समझा रहा था आपको, मगर आपको समझ नहीं आ रही तो क्या? खुश रहे आप ही, खुदा के वास्ते मुझे भी जीने। शर्म आती है तुम्हें अपने भाई की तरफ? क्या करें पीछे से? क्या करें? शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे। क्या करें पागल तुम? ये कोई तरीका बात करने का? रुक जा, क्या हुआ है? हाथ उठाएंगे मुझे? क्या कर रहे हैं? तरीके तरीका बात करने का? क्या चीख के बात कर रहे हैं? हुआ क्या मुझे बताओ, आपको बताओ, आपको बताओ हुआ क्या? आप लोग कॉल करेंगे? हाँ मुझे बताओ। यार चीखने की जरूरत नहीं है, जो बात है नॉर्मल बोले। तमाशा बना के रखा हुआ है। दोनों इंसानियत भूल चुके हैं यावर भाई। पागल मत बने, जो बात है बोले। रख जाओ तुम, मुझे बस बात पर चाहती है कि मैं जिंदा रहूंगा। अभी तो अभी इसने डॉक्टर को कॉल करे जिसको मेरी बीवी को आपने पागल किसने पे लगाया हुआ है। अभी कॉल करे। मैंने किसी को नहीं लगाया, तुम्हारी बीवी को। सच बोलो, सच कहने दो, अभी कॉल करे, मेरे सामने कॉल करे। को नीचे रखे, को नीचे रखे, बात कर रहे हैं। चल बात ही मत हो नीचे करने, बात हो रही है। हाकिम सादा यावर बात करें। मुबारक हो भाई, तुम्हारे शेर ने झलक दिखा के तो भाभी को पागल कर दिया। अगर आप मजीद पागल करने के लिए, सर्टिफाइड पागल करने के लिए ट्रीटमेंट जारी है। ट्रीटमेंट? तुमसे किसने कहा था ट्रीटमेंट के लिए? आराम से, ये ट्रीटमेंट अभी इसी वक्त बंद करता है, अभी फौरन। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये तो शुक्र है कि मैं केस जीत गया। अगर केस हारा होता तो मेरा तो कैरियर खत्म हो चुका। मैंने तुझे बस हो गया, बात हो गई ना। लिहाज कर रहा हूँ आपका, आप लिहाज नहीं करूँगा। हर बात हाथ में तो उठाएगा मुझ पर। हाँ जा रहा, अपनी बीवी के पास जा रहा, लेकिन आज के बाद अगर उसमें एक आंच भी आई तो खुदा की कसम नहीं आनी आऊंगा, मेरे मरने की लाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, पागलों वाली बातें मत करो, चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ भाई। बिना वजह का इमोशनल ब्लैकमेल देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये बात अभी। आंखें नीचे करो, अब जवाब में मुझे भी थप्पड़ मारोगी तुम? मैं समझ रहा था मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन मैं गलत था। सिर्फ तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन तुम्हारे अंदर का इंसान तो पता नहीं कब का मर चुका है।
दफा हो जाओ यहां से, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। मेरे भाई ने मुझ पे आज गंदा नहीं है, और आपने मुझ पे पहली दफा इस तरह हाथ उठाया। यार मुझे बहुत पहले उठाने का चाहिए, बात नहीं है ये, दफा हो जाओ यहां से। याद रखूंगा पैसे दिए, निकल जाओ, गेट कॉल्स। ये केस हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। डॉक्टर हर्ष, जानता हूं। ठीक है, फिर मैं एनओसी साइन करवा कर लाता हूं। मन्नत प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं शायद तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो, मैं एक बुरे घर का बेटा। मेरे भाइयों ने तुम्हारी जिंदगी तंग कर दी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, रो मत। एक मिट्टी का घरों का नाम रहा मेरे माही सहारा नाम रहा, मैं दर्दा बीमारी लाखियां बहारी, मेरे मौला जो दिल दिया था ये तन्हाई तो होती न होती। ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत करें, मत परेशान हो, मैं आपके साथ हूँ। मेरे एक टीचर कहते थे कि जब दुनिया खराब हो जाती है तो अच्छे लोग वहां से चले जाते हैं। हमारी दुनिया तो बहुत खराब है, खुदा करे कि बच जाए। कोशिश तो की थी आपने, एक अच्छी सी ऐसी दुनिया बसा के देने की उसे। मैं तो खुद गंदगी से तंग आ जाता हूँ, एक ऐसे घर से जो लोगों की जाने लेता है, जो उनकी इज्जतों पे हमला करता है, जो हैवानियत और परियत की आखिरी सीढ़ी पे खड़ा है। मैं क्या किसी को अच्छी दुनिया दूंगा? कैसी तबीयत है मन्नत की? मरने वाली है, आइए ना देखिए, आप भी तमाशा देखें। अगर हम दोनों में से किसी एक की जान
जानी है ना, चाहता हूँ कि मेरी चाली चली जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप, कुछ नहीं होगा उससे, ठीक हो जाएगी वो। मैं इस गिल्ट के साथ कैसे जी सकता हूँ? कि मेरे घर वालों ने कितनी जिंदगियां बर्बाद की है, ना जाने कितने लोग अपनी जान से गए, सिर्फ एक मुजरिम को बचाने के लिए। ऐसा इंसान जिसे लोग देख के चीखे मारने लगे, क्यों? क्योंकि वो हमारा खून है, खून को बचाने के लिए हमने कितने खून का डाले भाई। मन्नत अस्पताल में मर रही और यहाँ अपने भाई की खुशियाँ चाहिए। एक वीडियो भेज रहा हूँ तुम्हें, जल्दी से बाय। आज के बाद अगर उसे एक आंच भी आई तो खुदा की कसम मैं यहाँ नहीं आऊंगा, मेरे मरने की इंतजार आएगी। मुबारक हो भाई, तुम्हारे शेर ने झलक दिखा के तो भाभी को पागल कर दिया, और अब मजीद पागल करने के लिए, सर्टिफाइड पागल करने के लिए ट्रीटमेंट जारी है।
अरे मिल गया स्टे ऑर्डर मिल गया। अरे अल्लाह है, जाहिर है, मौजूद है, मुझसे मैं वो। अरे भाई मेरी बच्ची को मिल गया परवाना, मिल गया। अरे वाह मिल गया, देखो। अरे सारे सारे दुख सच्चों के लिए, क्या क्या सच्चे दुख उठाएंगे? नहीं नहीं, आप ज्यादा फिक्रमंद मत हो डॉक्टर श्याम, और अब तो उनके परफॉर्म करने के चांसेस भी काफी बेहतर हो गए हैं डॉक्टर साहब, लेकिन वो अभी भी खतरे से बाहर तो नहीं है। लेकिन आखिर कब तक उनको इस तरह मशीनों पर रखेंगे? हटाना तो पड़ेगा ना। आप मेरे साथ आए अंदर आए। सर आप प्लीज इनकी ब्रीदिंग का स्टेटस मालूम कर सकते हैं? अभी खुद सांस ले रही है, बस आप लोग दुआ कीजिए। अल्लाह ने करम किया, कुछ स्टे ऑर्डर ले गया। सांस अच्छा आ गई। कैसी तुम्हें बेहतर? Come on.
तेरे साथ हर पल है मेरा खुदा, सजा है यही तो यही है जजा। लड़स उठे दुनिया मेरी चीख से, न बाकी रहे जुल्म का सिलसिला। है उमरा दरोना दिल दुख विच बिरोना, मेरे बोला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी न होती, जिसका अंजाम था अंधेरा, वो शम्मा जली ही न होती, मेरे बोला जो दिल दिया था, ये तन्हाई मन्नत को स्टे ऑर्डर मिल गया। पता है तुम बिल्कुल ठीक हो, बस तुम्हें आदत होगी अपने नखरे उठाने की। क्या थक गए आप नखरे उठाते हो? बिल्कुल भी नहीं। हम्म, ऐसी कोई बात नहीं। अब इंदा बाहर देखो कौन आया है। आउच, राम सर। थोड़ा राइट पे, यहाँ। बाहर क्या हूँ भाई? भेजी दुनिया क्या कर? प्लीज आंसर भाई, मैं बात करने आया हूँ आपसे। फिर आप तुमने मिसर जी यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। भाई जो कुछ भी हुए मैंने जान के नहीं किया। मैंने जी तुम इस घर में नहीं आ सकते, चले जाओ यहाँ से। पहला वजह कुछ और है, आराम से बैठ के बात कर। आप क्यों उठा रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना। कि मैं घर से बाहर गया था या नहीं गया था, बोलना मैं घर पर ही था। क्या बोले? हुआ गया मतलब जितना दूर ना उतना कल क्या बोले? घर में ही थे, घर में ही थे।
परेशान नहीं हो, अल्लाह से बेहतर करेगा, ठीक हो जाएंगे। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। बची बची बची, दरवाजा खोलो बची, हमारा भाई मर गया बची, शायान मर गया, दरवाजा खोलो बची। हर वक्त अपने मरने की धमकियां देता था, आज भी छोड़ गया बची, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बची, हमारा भाई मर गया बची, हमें छोड़ के चला गया बची, चला गया हमारा भाई, इस दुनिया में नहीं रहा, मर गया। मारना नहीं चाहता था, कसम से मारना नहीं चाहता था। मैं वहाँ पे घर पे गया था उनसे बात करने के लिए, शायद मुझे धक्का देने लगे, मैं उनसे समझाता रहा, मैं धक्का देता हूँ फिर के, मैं खुदा की कसम नहीं मारना चाहता था, मैंने मुझे समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या किया तुमने, डर लग रहा है मुझे तुमसे, हट जा पीछे, हट जा मेरे आवाज से, मुझे खौफ आ रहा है, तुम रो जाओ मुझसे, मुझे के बाद आज भी आई तो खुदा की कसम से आनी आऊंगा, मेरे मरने के बाद आएंगे।
प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। शायन, शायन क्या किया तुमने? शायन, शायन नहीं, क्या किया तुमने? ये नहीं हो सकता शायन। मैंने तुमसे वादा किया था मैं मन्नत को कुछ नहीं करूंगा, तुमने वादा तोड़ दिया। उठो शायन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं अकेला रह लूंगा। शायन मन्नत उठाओ ना इसको, मन्नत गर्क करे इस केस को। मैं तो रमजान अहमद से कहती हूं कि अब इस केस का नाम मत लेना। देखो ना, इस केस ने कितनों की जान ले ली है। एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। मुझे तो ये सोच सोच के परेशानी हो रही है कि ये जिंदगी गुजारेगी कैसे। अभी तो इसने बहारें भी नहीं देखी। और किस्मत देखो कि अभी इसकी माँ को मरे हुए दिन ही कितने हुए थे कि ये एक और अजाब आ गया। हर आंख अशफाक है सिवाय मन्नत के। आया बेटा, भाभी को तो रुलाओ, देखो जनाजे पे भी नहीं हुई। अब तो जी सारी उम्र का रोना है। मैं तो कहती हूँ कि बस अगर अल्लाह बेटियां देना तो बस साथ नसीब भी दे। अब क्या बताऊं, मेरी जो बड़ी बेटी थी ना, वो गरीब के साथ साथ नसीब की भी बड़ी हल्की थी। आप सब तो आए होंगे इसकी मंगनी में। वो जो इनका पुराना घर था ना, उसकी छत से गिरकर मर गई। अब क्या बताऊं, जब से वो मरी है पे तो जैसे मुसीबतों के पहाड़ी टूट पड़े। हमारी जिंदगी की तो जैसे काया ही पलट गई। मैंने शायान के घर की मेड को और उनकी वाइफ को यहाँ बुला लिया, आप बात कर सकते हैं। ठीक है। क्या जरूरत है भाई, हम पुलिस स्टेशन जाके भी बात कर। एक मिनट, हम बात कर रहे हैं ना, तुमसे ही बात करेंगे। सलीम जीजा, ताबिंदा को यहाँ भेजना। जी जी। आ गए, आप बात करें। जी मेड। जी बेटा, क्या देखा था उस दिन आप? ये साहब हमारे घर आए थे, इन्होंने आते ही शहन भाई से बहस शुरू कर दी। झूठ बोल रही है, मैं घर गया था, लेकिन कोई बहस, कोई झगड़ा, कुछ इस तरह की कोई लड़की का बयान जारी है, तुम खामोश खड़े रहो। शहन भाई ने अपने घर से निकालना चाहते थे, ये लड़ने पे उतारा है।
इन्होंने शयन भाई को धक्का दिया, शयन भाई कांच में जाकर गिर गए और टेबल चकना चूर हो गई और कांच का टुकड़ा उनके गले पे लग गया, पूरी जमीन खूनम खून हो गई। बेटा आप अपना अंगूठा इधर लगाओ, लाओ इस जगह ना। ठीक है तुम जा सकते हो। जी मकतूल की बेबा मिसेस शाया, पूछिए सर। आपका बयान इस सिलसिले में बहुत जरूरी है, क्या देखा था उसने? सितम हो चुका अब जुबां खोल दे, समाने को सारी हकीकत बता, जो दिल में है तेरे वो सब बोल दे। तू दे जो दुहाई वो सुन ले खुदा, मेरे मौला जो दिल दिया।